वैसे प्रीता, आपका तो लुक हमेशा इतना खूबसूरत रहता है कि मैं तो सोच रही हूँ कि ये पूरा हैंडबैग स्टोर ही आपके लिए ले आऊँ। तो क्या कुछ हो रहा है प्रीता और करण की इस कहानी में? क्योंकि सुना है यहाँ भी चल रहा है एक हाई वोल्टेज ड्रामा। क्या ठीक है यहाँ पर पलकी और राजवीर? चलिए पता कर कर आते हैं, टिकट चलते हैं आपको फटाफट कुंडली भाग्य के सेट पर। जी टीवी के सीरियल कुंडली भाग्य में करण ने रखी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने बेटे शौर्य को बेगुनाह साबित करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आ गया है ट्विस्ट, क्योंकि पहुँच गए हैं एनसीबी ऑफिसर सूर्या लेकर सबूत कि इस घर की बहू यानी कि निधि ने उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की थी। बस फिर क्या, ऐसे में निधि पर लग गए हैं इल्जाम और पुलिस पहुँच गई है निधि को गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन इस गिरफ्तारी में भी आ गया है ट्विस्ट, क्योंकि घर का कोई भी सदस्य ये बात मानने को तैयार नहीं कि निधि ने ये काम किया है। इसी बीच वहाँ पर पहुँच जाती है करण की माँ राखी, जो सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है और कहती है कि ये सब निधि ने उन्हीं के कहने पर किया है। और उनकी इस बातों पर ना ही करण विश्वास करता है और ना ही करण के पापा। भावनाओं में बहकर मैंने वो कर दिया जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने निधि की हेल्प की। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? हम सब जानते हैं कि ये झूठ है। ये झूठ नहीं है मॉम। अब तुम लोग किसी को भी इस बात के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए तुम लोग को लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। अरे ये झूठ मत बोलिए प्लीज यार। आप सबको सिखा दी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप खुद झूठ बोल रही है, ऐसा क्यों कर रही हैं आप? मैंने अभी आपसे कहा ना कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ। ये बात आप लोगों से छुपाई गई थी, सिर्फ निधि और मेरे बीच की बात है ये। निधि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? बोलो ना कि मैंने तुमसे कहा था ये सब करने के लिए, कहा था ना? अब राखी सारा इल्जाम अपने सिर पर क्यों ले रही है, इस बात का तो पता आने वाले एपिसोड्स में चल ही जाएगा। फिलहाल तो पुलिस अब राखी को निशाना बना रही है और उन्हें अरेस्ट करने का आदेश दे रही है। लेकिन तभी करण ये बात मानने को तैयार नहीं और वो एनसीपी ऑफिसर सूर्या से झगड़ने लगते हैं। ऐसे में मीडिया की बातों में आकर एनसीपी ऑफिसर सूर्या को न सिर्फ राखी बल्कि करण और करण के पापा तीनों को ही गिरफ्तार करना पड़ता है, यानी कि अब ये पूरा परिवार शौर्य के साथ जेल की हवा खाएगा। राखी झूठ बोल रही है, ये ऐसा नहीं कर सकती। आप लोग पीछे हटिए, हमें अरेस्ट करना है। And this is my last warning. मैं अरेस्ट नहीं होने दूंगा, ये मेरी मॉम है। मैं देखता हूँ इन्हें अरेस्ट कौन करता है। हमारे कुत्ते भी तो लोगों जी को देखना नहीं करवाओगे। Okay, fine. तो अब राखी लूथरा के साथ महेश लूथरा और करण लूथरा को भी अरेस्ट करता हूँ। अरेस्ट करण। अभी के सीन में तो यही हो रहा है, बिकॉज आप देख रहे हैं कि वो बार बार एलिगेशन लग रहे हैं उस पर, न्यूज़ पे आ रहा है और वो सब निधि की वजह से जो भी कुछ चीज़ें हो गई है, तो फिर से वो सब कुछ शौर्य के अगेंस्ट हो गया है। बट डेफिनेटली इन फ्यूचर तो वो आएगा ही बाहर। वहीं दूसरी ओर शनाया की मां नहीं चाहती है कि अब शनाया का रिश्ता शौर्य के साथ जुड़े, क्योंकि शौर्य सलाखों के पीछे है और उस पर इल्जाम लगा हुआ है। लेकिन शनाया है कि अपनी मां की बात मानने को तैयार नहीं, वो तो बगावत पर उतर आई है, क्योंकि शनाया अब शौर्य से प्यार जो करने लगी है। नहीं समझ पाएंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि उनके लिए वो बहुत प्रैक्टिकल थिंकिंग लेके चलती है मेरी मदर, और उनको लगता है कि पैसा सब कुछ है और अब वो जेल में है तो पता नहीं कब बाहर आएगा, तब तक मैं बैठी थोड़ी रहूंगी। बट नाउ शनाया इज इन लव विद शौर्य, तो वो तो उसको अभी ऐसा छोड़ती भी नहीं दिखाई दे रही है। नहीं वो बिल्कुल भी नहीं सुन रही, बल्कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि उसकी मॉम उसको बोल रही है कि तुम किसी और लड़के से शादी कर लो, भूल जाओ शौर्य को। और शनाया को रियलाइज़ हुआ कि वो जेन्युइनली शौर्य को लाइक करती है, बल्कि लाइक नहीं उसे प्यार करती है। नहीं शनाया को पता है कि शौर्य ऐसा नहीं है और उसने ऐसा नहीं किया, शी हैज़ फुल फेथ इन हिम। शनाया एज अ कैरेक्टर, शनाया क्योंकि निधि को लाइक नहीं करती है, तो ऑफकोर्स उसको नहीं फर्क पड़ेगा शनाया को। हम तो आपके लिए 24/7 लेकर आते हैं बैग फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। नाम तो आप सब जानते ही है ना, सास बहू और बेटियाँ।